माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार परिचय मेरा दे दिया, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, हाँ, और वही प्रेम करते हैं जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। बताया मेरे बारे में कि आगरा से आया है, मोटा हो गया है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। प्रेम की कविताएं लिखी साहब इन्होंने, आजकल इनके बारे में सब आप जानते हैं, देश दुनिया में छाए हुए हैं। अन्ना जी इन्हें ढूंढ के लाए आंदोलन के समय, ऐसा नहीं कि इनकी कदकाठी को देख करके लाए, योग्यता की वजह से नहीं लाए थे, क्योंकि आंदोलन में कुटना पिटना पड़ता है। अब पुलिस पीटती तो देखती क्या पीट है। जहां भी जाते हैं, मैं इनके साथ जाता हूं, कई देशों की यात्राएं मैंने की हैं, आजकल इनके साथ VIP व्यवस्थाएं मुझे भी मिल जाती हैं। वो बाउंसर बाउंसर आ जाते हैं, भाई घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। मैं ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। और इन्होंने प्रेम की कविताएं लिखी, मैं भी चाहता था प्रेम की कविताएं लिखूं, लेकिन मेरा मानना यह है ये प्रेम की कविताएं कोई खास बात है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, अच्छा, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। बात प्रयास मैंने भी किए, भाई हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया, मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं, ऐसा नहीं है कि आवाज दो हम एक हैं। आज बहुत शानदार वीर रस के कवि बुलाए हैं और ये संस्कृति विभाग, इसके मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, वरना ऐसा नहीं कि गिरावट का दौर उधर है तो इधर भी है। हमारे यहाँ तरह तरह के वीर रस के कवि भी पैदा हुए हैं। बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में बात एक ही है लेकिन भाई लगा हुआ है, अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। ऐसी कविताएं भी आने लग गई जिनका कोई मतलब नहीं होता। और सच बता रहा हूं, मैंने भी शुरुआत वीर रस से ही की थी, अच्छा, लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत होती है। अभी आप कविता जी को सुनेंगे, इसके लिए बहुत ऊंचे स्वर में गाना पड़ता है, जो छंद की तीसरी लाइन होती है वो चढ़ाई जाती है। हाँ। तो मैंने चढ़ा दी और वो चढ़ गई, बाद में उतरे नहीं। तीन चार मंच के कवियों ने मिलकर उतरवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आ गए, हम उनका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के बहुत 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 प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। और हम आभारी हैं कि वो अपनी व्यस्तता के बीच समय निकाला, उन्होंने विधायक दल की मीटिंग लेके आए हैं। आजकल तो थोड़े रिलैक्स हैं मुख्यमंत्री जी, शुरू शुरू में तो रोज शाम को गिनने पड़ते थे विधायक के बराबर है कि नहीं है। नहीं, अब वो गिनते हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं अब वो गिनते हैं, मैं नहीं गिनता, मैंने अपने गिन लिए। आराम करता हूं कि मैंने देखा जब आप आए तो तमाम कैमरामैन फोटोग्राफर्स आपके घेरे हुए थे, और आपने मेरी वजह से सिर्फ कभी कविता पढ़ रहा है तो आपने उनको हटाया कि आप हटिए हटिए बैठिए, वरना अपने यहाँ तो ऐसे भी नेता हैं जो सेल्फी के चक्कर में देसी बिठा दें। नहीं पहुंचेगा, नहीं सच बता रहा, मैं नाम मान नहीं देना चाहिए किसी का भी, लेकिन ये सबको पता है, स्पिन है, और हमको क्या पता है,
केदारनाथ तक को पता लग गई थी कि आज तक मेरे इतने फोटो नहीं है, ये किसके पीछे आ गए। उनकी तरफ पीठ होती थी कैमरामैन। खैर आइए, मैं आपकी सच बता रहा हूँ, मैं आपकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हूँ, और वरना सत्ता की अपनी हनक होती है साहब, बड़े अलग तेवर हो जाते हैं सत्ता के। मेरा तो गांव में एक दोस्त प्रधानी का चुनाव जीत गया, मैं उससे मिलने चला गया। उसके बरामदे में जैसे ही पहुंचा, उसने लाइसेंसी रिवाल्वर निकाली, दो फायर हवा में ठोक दिए। मैंने कहा भाई ये क्या था? बोला कुछ नहीं, दो चाय बोली। ये सत्ता की जिंदाबाद, तालियां बजा दीजिए। सच में सत्ता की अपनी हनक होती है। मैं सीधे सीधे एक हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास प्रेम की कविताएं काफी ज्ञान बांटा जा चुका है, आप सुन ही रहे हैं, आगे भी बटेगा, मैं उसे बैलेंस करना चाहता हूं। प्रेम में जैसा ये बताते हैं वैसा कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है, ऐसा नहीं है। प्रेम में परिणाम दूसरी तरह के भी आते हैं। मैंने बताया मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं, मैंने भी प्रेम के प्रयास किए। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, मेरे साथ क्या हुआ? अखियां लड़ गई, वाह वाह, नहीं परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो तीन चार जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। समझ रहा हूं भाई, वाह। समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे लोग बैठे हैं। मैं सीधे सीधे मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं, मेरे बारे में बताया, मैं गा करके पढ़ता हूं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं गाता बहुत अच्छा हूं। हाँ, इसमें हंसने की क्या बात थी वैसे? सच बता रहा हूं, मैं बचपन में जब गाता था तो मेरा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पे क्यों खड़ा है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। आइए मैं सीधे सीधे एक हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनाओ। संस्कृति विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हिंदी का कवि सम्मेलन कराया, वरना तमाम तरह के आयोजन होते हैं, रॉक पॉक कुछ भी करा सकते थे। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने गीत लिखा है। उसकी भूमिका में बताना चाहता हूं, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया, और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी, और रची बसी क्या थी, लिपिपुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वह नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके स्वागत है दीजिएगा। स्वागत है रमेश, पढ़िए जो उसने लिखा। वो कंप्यूटर युग की छोरी, वो कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए, कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ, तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला, तुम हेलो जंती जलती हो, मैं दीपक सा जलने, तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर यू की चोरी, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है, कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। बहुत अच्छे। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ, जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला, तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला, तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर युग की छोरी। और संस्कार से मुझे याद आ गया, कोई जोक नहीं, सच्ची घटना बता रहा हूँ। संजय दत्त जब जेल में बंद थे तो उन्हें जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि उनके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने टीवी पर खबर देखते हुए पूछा, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोला अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या?
ये कौन स्थिति में आनंद लीजिएगा और तर्क सुनिएगा। दुष्ट है बात, तो ताली मिलके बजा दो एक बार। हाँ सुना। तर्क सुनिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। वाह। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। हाँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग बहुत अच्छे कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। अच्छा है, अच्छा है। पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही। आहा वाह। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तुम भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम मंद पढ़ता हूँ और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का, पत्रकारों का, कलमकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ संबंध होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। स्वागत है। और जिनके इसमें नाम आए उनके सामने भी मैंने ये कविता पढ़ी है, उन्होंने भी आनंद लिया। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। हाँ। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ तो नेता ही बड़े कमाल कमाल के हुए हैं। मुलायम सिंह जी ने एक बार बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माता कूट ले, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विसंगतियों में हमें आनंद लीजिएगा कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्ज ना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां रमेश के लिए बजा दीजिए।